अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सर? हाँ जी, तो मैं आई डोंट नो ये क्लिप कब डालूंगी, बट ये है कि मुझे था कि मैं आप लोगों के साथ अपनी हेल्पर की कपड़े शेयर करती हूँ। शी इज अ यंग गर्ल, तो मुझे था कि चलो मैं उसके लिए बहुत प्यारे से कपड़े ले रही थी। अनस्टिच मैंने नहीं लिए, मुझे था स्टिच ले लूंगी तो वो आराम से पहन लेगी। तो ये जो है वो शर्ट है, बैन वाला उसका गला है, दो आगे से जो है वो बटन्स लगे हुए हैं। उसने मुझे खुद कहा था कि उसको रेड या मरून कलर चाहिए, तो ये है इसकी ट्राउजर, एक ही कलर में है। और साथ में मैंने उसके लिए ये मेरे पास दुपट्टा पड़ा हुआ था, बिल्कुल अच्छा फैंसी सा दुपट्टा था, तो मुझे था ये इसके साथ मैचिंग था, तो ये दुपट्टा है। और इसके अलावा मैंने उसके लिए लिए हैं ये खुस्से, जो कि इसके कपड़ों के साथ बिल्कुल मैचिंग है। ये आप देख सकते हैं, बड़े प्यारे से खुस्से भी मैंने लिए हैं उसके लिए, तिल्ले वाले। दिखा देती हूँ करीब करके, ये देखिए बड़े प्यारे से खुस्से भी लिए हैं उसके लिए मैंने, तो ये खुस्से हैं उसके। और साथ में मैंने ली है कोन मेहंदी, कि वो मेहंदी लगा लेगी, और साथ में मैंने उसके लिए लिए मैचिंग चूड़ियाँ। तो ये मेरी जो हेल्पर है उसके लिए बस मैंने एक छोटी सी ईदी ली है, तो ये है कि ये अपने ईद पे पहन लेगी इंशाल्लाह। हाँ जी, तो मैं अपनी जो हेल्पर है उसके कपड़े वपड़े मैंने कहा कि आप लोगों को दिखा देने के बाद मैं इसको प्रॉपरली पैक कर लेती हूँ, और पैक कर लेने के बाद मुझे जो है कि उसको अभी वो आएगी दोबारा, क्योंकि मेरी हेल्पर बाद में आती है सब्जी शब्जी काटने के लिए, तो मैं उसको तब दे दूंगी। एंड इट विल बी अ सरप्राइज फॉर हर, बिकॉज शी इज सो हैप्पी उस सब सारी चीज़ों को देख के। उसके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था क्योंकि मैंने उसको बताया नहीं था। मैंने उससे सिर्फ पूछा था कि तुम्हारा कलर कौन सा फेवरेट है, उसने मुझे कहा था रेड और या मरून, और फिर उसके बाद मैंने आइडिया ले लिया था। और वो शी इज़ अ वेरी स्लीक गर्ल, स्लीक इन सेंस के बहुत स्लिम सी है, तो मुझे था कि चलो इसके लिए इसके फेवरेट कलर की सारी चीज़ें लेते। सो खैर, वो फिर मैंने उसको दे दी थी, और ये अब मेरे हस्बैंड आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इट इज़ अ ब्लेसिंग सीरियसली। मैं आप लोग मुझे इतने क्वेरीज कर रहे थे कि हाउ डू आई मैनेज एवरीथिंग, तो मैनेज ये है कि मैनेज की स्टोरी मैं आपको सुना दूँ कि मैं सुबह जब फजर वगैरह पढ़ लेती थी, तो उसके बाद फिर मैं अपना सिपारा वगैरह पढ़ती थी, और फिर मैं तलाल को पिक एंड ड्रॉप देना मेरा काम था। फिर मैं जब तलाल को पिक करने जाती थी, तो जो फ्रूट्स और जो चीज़ें मुझे लेनी होती थी वो मैं उस वक्त ले आती थी, अदरवाइज़ ये होता था कि मेरा बेटा जो है वो शाम को जाके ले आता था नेक्स्ट डे के लिए, क्योंकि मुझे फ्रूट चाट बहुत अच्छी लगती है, और मैं बहुत ज़्यादा चीनी वाली बंदी नहीं हूँ, तो मैं बहुत चीनी इसमें डालती नहीं थी, तो बस मुझे होता था कि फ्रूट्स चले जाएँ। मेरी शुगर बहुत कंट्रोल्ड में थी। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि आपने रोज़े क्यों रखे हैं, हमारे फलां तो रोज़ा नहीं रखता क्योंकि उनको शुगर है। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरी शुगर बहुत कंट्रोल में थी, मैं चेक करती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मैं मेरी शुगर नॉर्मल डेज से बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी। नॉर्मल में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर जाती है, बट मेरी शुगर बहुत अच्छी थी। तो ये जो है ना, आप अपने पहले डॉक्टर से पूछ लें। वैसे मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा था कि मत रखें, ये कभी लो हो जाती, तो मैंने कहा मैं मॉनिटर कर लूँगी, मैं रोज़े नहीं छोड़ सकती। आप रोज़ों का कफारा नहीं अदा कर सकते उस तरह के, आप ऑफ कोर्स आप दे सकते हो किसी को, बट ये कि मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मैं रोज़े छोड़ूँ। तो मैं 3 ईयर्स, इट्स माई 3rd रमज़ान, आई एम डायग्नोज विद डायबिटीज, बट मैंने अपना कोई रोज़ा नहीं छोड़ा। हाँ, शुरू में जब मुझे पता चला था तब मैंने 2 छोड़े थे, उसके बाद मैंने कभी नहीं छोड़ा। अच्छा जी, कम बैक टू द व्लॉग। मैं बना रही थी फ्रूट चाट, और फ्रूट चाट के अलावा मैंने लज़ानिया बनाना था अपने हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए, एंड मेरे बच्चों का बड़ा, बेटी का स्पेशली बड़ा फेवरेट है लज़ानिया। तो मुझे था कि इस रमज़ान में क्या, मैंने काफ़ी अर्से से लज़ानिया नहीं बनाया जब से मैं इस घर में आई हूँ। तो वैसे जो लज़ानिया मैं बनाती हूँ ना, मैं वो शीट्स में बनाती हूँ जो कि आप सिर्फ शीट्स रखते हो और वो खुद ही बेक हो जाती है, मतलब सॉफ्ट हो जाती है। ये वाला लज़ानिया की शीट्स ना मुझे नहीं अच्छी लगती है। अब बस देख, चलो ये आ तो गई है, अब इसको मैं अगले दफ़ा भी यूज़ कर लूँगी, और रेसिपी मैं फिर इंशाल्लाह ताला कमिंग फ्यूचर आपको दूंगी, क्योंकि ये जो आज का व्लॉग है ये 2 दिनों का है। एक दिन जब मेरे हस्बैंड आए थे, मैं अफ्तारी वगैरह बना रही हूँ, एंड सेकेंड जो है वो पार्ट है जब मैं अपनी शॉपिंग करने गई थी, तो शॉपिंग भी मैं आपको दिखाती हूँ। मैं गई थी शॉपिंग करने के लिए, तो खैर ये मैं लज़ानिया बनाया था, चना चाट बनाई थी, और साथ में जो है वो मैंने चना, इट्स सिंपल थिंग्स, यू नो रमज़ान में हम सिर्फ यही खाते हैं। तो मेरा था कि मैं आप लोगों के साथ इतनी रेसिपीज़ अपनी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि यही चीज़ें मोस्टली हम खाते हैं, और रमज़ान में इतना ही खाया जाता है जो कि आप बस यही चीज़ें खाई जाती हैं। और चना चाट तो मैं कहती हूँ इट्स टू गुड फॉर योर वेट लॉस, ये वाली चना चाट तो बेस्ट, इसमें कोई ऑयल शॉयल नहीं है, बस इमली का रस है, और ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी, बस सब्जियाँ डालें, ठोक के डालें, खीरे डालें, मेरे बच्चे नहीं खाते ना खीरे,
तो उस वजह से मैंने खीरा नहीं डाला। बेटा तो मेरा खैर यही चना चाट भी नहीं खाता, मैं और मेरी बेटी खाते। खैर अफ्तारी वगैरह मैंने सर्व कर दी थी। अफ्तारी से कुछ देर पहले मेरी जो है एक फ्रेंड है जो कि मेरे घर के करीबी रहती हैं, उन्होंने मेरे लिए अफ्तारी भिजवाई थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ उनकी अफ्तारी का प्लेटर। आपको मरून कलर का नजर आ रहा होगा जिसमें बहुत सी चीज़ें उन हैड मेड। सो ये वाला प्लेटर बड़ी क्रिएटिविटी दिखाई हुई थी, वो सारी चीज़ें बहुत मज़े की हम बनाई थी। ये फ्रूट चाट भी उनके घर से आई थी और एक चना चाट का पैकेट भी डब्बा भी था, तो वो भी उनके घर से आया था। और ये मेरा लज़ानिया जो है वो रेडी हो गया था और फ्रूट चाट थी एंड अल्हम्दुलिल्लाह दफ्तारी को सर्व्ड। पकोड़े मैंने बनाए थे, पकोड़े मैं डेली बनाती हूँ। खैर एनीवेज ये था मेरा मींस एक दिन का ब्लॉग। और अब जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दैट इज़ माय नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे मैं चली गई थी गीगा मॉल विच इज़ माई वन ऑफ माई फेवरेट प्लेस टू गो। और यहाँ पर जो है ना मुझे सारी ब्रांड्स का भी पता है किस फ्लोर पे है। अदरवाइज़ आप जब यहाँ वहाँ दूसरे मॉल्स में जाते हो ना तो वही चीज़ें होती हैं, वही ब्रांड्स होते हैं, बट आपको समझ नहीं आती किधर जाए। मैं इतनी दफ़ा सेंटोरस गई हूँ ना, मुझे कभी नहीं समझ आई सेंटोरस की। एक तो सेंटोरस ना मुझे बड़ा कंजस्टेड लगता है, ऐसे लगता है जैसे कुएं में आ गए, इधर उधर इतनी छोटी छोटी सी जगह होती है, मतलब आई डोंट लाइक इट। मुझे सबसे जो फेवरेट मेरा मॉल है ना दैट इज़ आप लोगों को पता होगा कराची का डॉलमेन मॉल एंड उसके बाद गीगा मॉल। खैर ये मारिया भी पे बड़े प्यारे बैग्स थे, क्वाइट एक्सपेंसिव बैग, सीरियसली वेरी एक्सपेंसिव बैग। उसके बाद मुझे थोड़ी बहुत खैर मैंने शॉपिंग की है, आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो नीचे कमेंट कर दें। तो मैंने अपने लिए और बेटी के लिए कपड़े वपड़े लिए थे। फिर मैं आ गई थी खाड़ी। खाड़ी की स्टोरी ये थी कि खाड़ी पे थे बड़े प्यारे प्यारे कपड़े और मैंने दो तीन ट्राई किए और फिर आप लोग मुझे गेस करेंगे मैंने किस ब्रांड से लिए होगी। मैं मारिया भी गई थी, मैं खाड़ी भी गई थी, मैं लाइमलाइट भी गई थी और मैं निशात भी गई थी, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना ये खैर पता नहीं ये खाड़ी पे क्या आया, मैं सीरियसली मेरी बेटी कहती है मम्मा ऐसे जैसे वो गायों बैलों को गले में नहीं डालते, सीरियसली बिल्कुल अच्छे नहीं थे। खैर इधर यहाँ एक नई ब्रांड खुली थी शूज़ की और इसका मैं टाइटल इधर लिख दूंगी, उसका नाम मुझे नहीं आता, मैं भूल गई हूँ, तो मैं नाम जो है ना लिख दूंगी इधर। इस पर बड़े प्यारे बैग्स थे और ये वाले इसके जूते बड़े अच्छे खूबसूरत थे, सीरियसली बहुत ही प्यारे थे, बट इट वॉज वेरी कॉस्टली। लाइक ये वाले सैंडल थे 9,000 के एंड 13,000 का बैग, मैं आपको दिखाती हूँ। तो मुझे था कि देखिए आगे मेरे अगर खानदान में कोई शादी आ रही होती तो फिर मैं सोच भी लेती इस बैग के बारे में, बट इतने ज़्यादा पैसे 20,000 अराउंड मैं तो कभी भी ना दूँ, 22,000 अराउंड इस एक जूते और एक बैग पे। तो सीरियसली इतने ज़्यादा मैं इसराफ नहीं कर सकती इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें लेके, बस मुझे अच्छी लगी तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। लग ये बहुत प्यारे रहते, इसकी डायमंडीज बहुत खूबसूरत थी और पैर में ये बहुत प्यारा लग रहा था। आई डोंट नो द लाइटिंग, अतः कि मैं बहुत अच्छे कैमरा से शूट कर रही हूँ, बट लाइटिंग जो है ना इस जगह की इतनी खास नहीं थी, बट ये बड़े प्यारे से जूते थे। वैसे भी मैंने इस तरह की पेंसिल हील्स नहीं पहन सकती, मुझे था आप लोगों को दिखा देती हूँ अगर आप लोग पेंसिल हील पहनना चाहते हो। ब्रांड अच्छी थी, अच्छी चीज़ें थी, बट मैंने आपको जैसे बताया कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइट पे ये दुकान थी, जैसे मुचानी है, इंसिग्निया है, तो उस तरह की थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी। तो खैर इंसिग्निया इज़ माई मोस्ट फेवरेट, उसका भी मैं उधर भी मैं गई थी, उसका भी मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर आप देख लें कि यहाँ पर इनकी कलेक्शन सामने पड़ी हुई थी कि आप मिक्स एंड मैच करके आप अपने बना सकते हैं कि ये बैग ये जूते ये ब्राइड्स के साथ अच्छे लगते हैं। आई डोंट थिंक सो, आई कैन नेवर वेयर सच बैग्स इन सच थिंग्स, यू नो। खैर उसके बाद में चली गई थी लाइम लाइट और लाइम लाइट पर यह था कि लाइम लाइट पर बहुत अच्छे कपड़े आए हुए थे और मैंने लाइमलाइट से लिया भी है, अपनी बेटी के लिए लिया, बहुत प्यारा लिया उसके लिए। मेरी बेटी को ना लाइमलाइट बड़ा सूट करता है, उसको वो कपड़े बड़े प्यारे लगते हैं उसके। खैर पे मैं आ गई थी इंसिग्निया और इंसिग्निया में जो है ना वो मैंने अपने लिए, मुझे असल में ईद के लिए जूता लेना है एंड यहाँ पर जो है मुझे जूते थे तो बहुत प्यारे प्यारे, एज यू ऑल नो इंसिग्निया पे बहुत प्यारे प्यारे जूते होते हैं। और ये वाला जूता जो है ना मैंने दो जूते मंगवाए अपने लिए, एक ये वाला अंगूठे वाला था और ये एक जो है वो मतलब जैसे नॉर्मल फ्लैट चप्पल थे, इतने बड़े प्यारे। पता नहीं अब मेरा पैर वो सेम साइज है लेकिन जूते का साइज ये जब मेरे पैर का दिखा रहे थे तो वो एक एक साइज बड़ा लग रहा था मुझे। ये बहुत खूबसूरत थे क्योंकि आपको पता है ना मेरा ईद का जोड़ा मरून कलर का है, तो आई वॉज सर्चिंग फॉर समथिंग मरून, बट ये लग बड़े प्यारे लगे थे लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे इतने अट्रैक्ट नहीं कर रहे थे। अंगूठे वाले चप्पल वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं पहन लेती ना पहनती हूँ बिकॉज आई एम डायबिटिक एंड मैं बहुत केयरफुल हूँ फॉर माई फीट कि कोई ऐसा ना अंगूठे से कोई स्वेलिंग हो जाए, या वैसे भी यू नो डायबिटिक अगर कोई बंदा है तो उसको बहुत केयरफुल रहना चाहिए अपने पैरों के साथ। खैर मैंने इधर देखती रही, दो तीन मैंने देखे, ये वाला ब्लैक भी बड़ा प्यारा खूबसूरत जूता था।
इसमें पैर ना बहुत प्यारा लग रहा था, और ये आप देख सकते हैं इसमें बड़े प्यारे ना डायमंड पीस है। अब देखें साइज, मैंने अपना मंगवाया था बट इट वॉज लिटिल बिगर ऑन मी, तो आई वॉज लाइक कि इसका छोटा साइज मंगवा लेती हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने मुझे जब दिखाया ना, तो वो छोटा जो है वो मुझ पर छोटा था फील हो रहा था, और जो मेरा साइज था मुझ पर बड़ा फील हो रहा था। आई डोंट नो व्हाट वाज द रॉन्ग विद माय साइजेस, लेकिन ये था कि मैंने 4-5 दफा पैरों पे देखा तो मुझे ना फिर इतने अट्रैक्ट नहीं किया। देन आई वाज लाइक ओके फाइन, देर आर सो मेनी अदर ब्रांड्स आई कैन गो, बट ये कि उधर मैं जाके चेक कर लेती हूँ कि कौन सा वाला जूता अच्छा है और कौन सा नहीं। लेकिन ये वाले जो साइज है ना, ये वाले मुझे बिल्कुल भी प्यारे, मीन्स पैर में ही नहीं मुझे अच्छे लग रहे थे। जो चीज़ आपको पैर को ही नहीं अच्छी लगी ना, तो आपको वो चीज़ नहीं लेनी चाहिए। तो वैसे अगर आप लोगों ने आइडिया लेना है तो यू कैन गो, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। इसकी प्राइस थी 5,500 रुपये, और इसमें डायमंड टीज लगे हुए थे, बट ये ब्लैक कलर का था, ये हर कपड़ों के साथ चल जाता है। मुझे था कि या तो मैरून लेती हूँ या मैं ब्लैक लेती हूँ, और जो पीछे मैंने मरून पहना हुआ है वो है फ्रॉम बोरजान, जो मैं पहन के आई थी। बहुत कंफर्टेबल है, सीरियसली बाजार के लिए बेस्ट चप्पल है जो मैंने पीछे पहना हुआ है। तो मुझे था थोड़ा सा फैंसी जलबली टाइप में लूँ, ताकि मैं जो ना रमजान सॉरी ईद पे पहन सकूँ। तो ये तो मुझे सूट इतने ज्यादा नहीं किए थे। उसके बाद मैंने ये एक और चप्पल था, ये मैंने पहना, बिलीव मी इट वॉज सो ब्यूटिफुल। घर के चप्पल थे ये, इतनी फैंसी नहीं है कि बाहर पहनो। हाँ बाहर भी पहन सकते हैं आप, बट दे वर वेरी एक्सपेंसिव, इट वॉज 7,500। एंड देन आई वाज लाइक नहीं, 7,500 वाला तो मैं कभी भी ना लूँ। खैर मैंने जो अभी कपड़े वगैरह शॉपिंग कर ली थी निशात से, और सॉरी मैंने आप लोगों को बता दिया निशात पे बहुत अच्छी सेल लगी हुई है, और न्यू अराइवल पे सेल लगी हुई है। तो खैर मैंने वहाँ, मेरी एक सब्सक्राइबर भी मुझे मिल गई थी, महनाज नागी, एंड वो मुझसे हमेशा इंस्टाग्राम पे बात करती है। और जब आप आपके सब्सक्राइबर ऐसे सामने मिल जाते हैं ना, तो आपको बड़ी खुशी होती है, और उन्होंने पहचान लिया मुझे। खैर उन्होंने वो भी शॉपिंग करी थी निशात पे, मैं भी कर रही थी, और हमने जो है फिर मैंने वहाँ से कपड़े वगैरह ले लिए थे। तो खैर ये था मेरा आज का ब्लॉग, और फिर वो घर आके मैंने बनाई थी अफ्तारी। उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माई नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो आप मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड बाय।